ये कहती है कि हैदर घूमने गया था विजिट पे। तो दोस्तों कोई 5 साल तक किसी कंट्री में घूमता है क्या? 5 दिन में घूमने के लिए अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन में नानी याद आ जाती, इतना खर्चा होता है। बंदा 5 साल तक घूमेगा क्या वहां? ये कह रही है घूमने गया था, तो बंदा वो 4 साल रहा है, करीब 4 साल या 3 साल, इसकी 4 साल की बेटी होगी तो 4 साल के करीब रहा है, तो 4 साल तक बंदा घूम रहा था क्या वहां? कैसी बेवकूफ बना रही है, हम भारतीयों को बेवकूफ बना रही है। जो आधा भारत जो है विदेश में रहता है, रोज विदेश में जाते हैं हम, रोज आते हैं, रोज पासपोर्ट में स्टैंप लगती है, रोज जहाजों में सफर करते हैं, इसने क्या देखा? इसने कुछ नहीं देखा। तो हमें बेवकूफ बना रही है, इंडियंस को बेवकूफ बना रही है। कोई 4 साल के लिए कोई कंट्री घूमने देगी क्या अपनी कंट्री में? एक्सपोज झूठी। अब ये आगे कहती है, ये सचिन कहता है, सचिन भी आजकल एक्टर हो रहा है पूरा। तो सचिन कहता है इसके अबू का खत्म हो गए थे तो इसका कोई ध्यान नहीं रखता था, ये मेरे से रात दिन बात करती थी, अबू खत्म हो गए थे, पहले कहां था वो, क्यों नहीं आया, उसका ध्यान नहीं रखा। अरे भाई ये बता, अगर इसके अबू खत्म हो गए थे और अबू ध्यान रखता था और हैदर को ध्यान नहीं था और तू रात दिन बात करता था, तो तू भारत के लोगों को मुझे अकाउंट की वो डिटेल दिखा दे, या वो डिटेल तू दिखा दे जो तूने भारत में रहते हुए जो इसको सीमा गुलाम हैदर को तूने पैसे भेजे हो, दिखा। अगर कोई इंसान परेशान है, दुखी है और वो उसको अपना मानता है और वो परेशान है, तो उसको वो पैसे भेजेगा नहीं भेजेगा? भाई तू दुखी मत हो, अगर हैदर तुझे पैसे नहीं भेज रहा, कोई तेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं भारत में हूं, मैं नहीं आ सकता, तो मैं कम से कम तुम्हें पैसे भेज देता हूं। एक चवन्नी भी इस सचिन ने सीमा को भेजी हो तो बता। ये कह रहा अब्बू खत्म हो गए, अरे तूने बताना तूने भेजी है क्या? तूने तो उल्टा हैदर की कमाई को, जो सीमा ने हैदर की कमाई तेरे को भेजी है, उल्टा तूने हैदर की कमाई खाई है, उल्टा जो हैदर का घर बेचा गया वो रकम तुझे दुबई से भेजी गई, वो रकम तुझे नेपाल से भेजी गई, वो रकम तुझे पाकिस्तान से भेजी, तूने उस पैसे का फोन लिया, तूने वो रकम इस्तेमाल की, तू 5-6 हजार रुपए की किराने की दुकान पे नौकरी करता था, तू उल्टा हैदर की कमाई खा रहा है और कह रहा है कि कौन ध्यान रखता था। ये झूठा एक नंबर का बकवास कर रहा है। आगे सुनो, ये कहती है जी मारपीट करता था, मेरी आंखों में मिर्चे डाल दी, मेरा ये डाल दिया, मेरा कुछ किसी ने नहीं डाला, हैदर को उल्टा ये मारती थी, हैदर को खुद ये पीटती थी, उसका सबूत है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप चाहो तो। ये सारी एक्सपोज हो चुकी है, गुलाम हैदर को उल्टा, गुलाम हैदर को ये पीटती थी, खुद मारती थी, इसमें कोई जोर जुल्म जबरदस्ती नहीं हुई, और ये निरी बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। और इसके अलावा ये कहती है कि गुलाम हैदर के 5 माँ थी और 2 बाप थे, और फला आदमी था, फला था, फला था। अरे भाई जब तूने घर से भाग के इसके गुलाम हैदर के साथ लव मैरिज किया, वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, जो गुलाम हैदर से इसने लव मैरिज किया, तो उस वक्त तुझे गुलाम हैदर के 2 बाप नहीं दिखे थे? उस वक्त गुलाम हैदर की 5 माँ नहीं दिखी थी तेरे को? जब तो तू कह रही है, जब तो तू लव मैरिज कर रही है इसके साथ, ये उसके माँ बाप कहीं मर को ही गए थे, उस टाइम भी ये जिंदा थे, 5 माँ उस टाइम तुझे दिखाई नहीं दी, 2 बाप दिखाई नहीं दिए? खानदान के लोग जिनको तू चोर बोल रही है, जिनको तू डाकू बोल रही है, जिनको तू लुटेरे बोल रही है, तू वो लोग तुझे डाकू दिखाई नहीं दिए? तू भी उसी कबीले की है, तू भी उसी बलोच खानदान की है, तुझे पता नहीं था ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, इसके 2 बाप हैं, इसकी 5 बहन माए हैं, तो जब तूने भाग के शादी क्यों की, तूने कोर्ट मैरिज क्यों की उसके साथ? ये बताओ, तेरी कोई अरेंज शादी तो नहीं हुई थी? कोर्ट मैरिज तूने गुलाम हैदर के साथ की थी तो तूने क्यों की, अगर ये चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे? एक तरफ कहती है कि एक बार गांव में पुलिस आ गई तो गुलाम हैदर जो है उसे देख करके भाग गया, और दूसरी तरफ पहले वीडियो में कह रही है कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके गांव में तो पुलिस भी जाती हुई डरती है, इनके पास हथियार हैं, तो अगर इनके गांव में पुलिस जाती हुई डरती है और हथियार है इनके गांव में,
तुम्हारी वो बात ठीक है या तुम्हारी ये बात ठीक है कि पुलिस आई और डर के ये भाग गया? एक तरफ तो कह रही है कि पुलिस डरती है गांव में जाती हुई, एक तरफ कह रही है कि जो है ना गुलाम अदर पुलिस को देख के भाग गया। तो झूठ कम बोल, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश मत कर, इमोशनल कार्ड मत खेल। तूने उस इंसान के साथ जुल्म किया है, तूने उस इंसान को धोखा दिया है, उसके पेट में छुरा घोपा है, तेरे को हम जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर को मिल को जरूर मिलेंगे। ये हमारी लड़ाई है, अंतिम सांस तक ये लड़ाई है। तेरे को जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर तक पहुंचाएंगे। और आगे देखो, अब ये कहती है कि हैदर के खानदान में कोई भी बच्चा पढ़ावा नहीं है। अरे चल, हैदर के खानदान में कोई बच्चा पढ़ावा नहीं है, हैदर ने तुझे मकान करा कहते। और ये भी कहती है कि गांव के अंदर लोग कच्चे मकान रखते हैं। अरे हैदर ने तेरे को पक्का मकान कराची में लेके दिया ना, हैदर तेरे को गांव से निकाल के लेके आया, तुझे कराची में बसाया, तुझे पक्का मकान दिया, 12-18 लाख का मकान तुझे लेके दिया, और तेरे को जो है तेरे बच्चों को भी वो स्कूल में भेज रहा था। उसके खानदान में कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, उसने तेरे बच्चों को तो स्कूल में कराया ना, तुझे तो पक्का मकान दिया ना, तो उस इंसान ने तेरे लिए तो अच्छा किया ना। उसने आज उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, तेरे लिए वो सऊदी अरब में कमाने के लिए गया, तुझे पक्के मकान की जरूरत थी, तू कच्चे मकान को पसंद नहीं करती थी तो तुझे पक्का मकान लेके दिया। तू कह रही है बच्चे नहीं पढ़ते थे, तेरे बच्चों को कराची में स्कूल में एडमिशन कराया और उनको वहां ट्रॉफी भी मिलती थी, तो तेरे लिए तो किया ना, तो वही तेरे लिए बुरा हो गया। आज तू अपने पति को कुत्ता कह रही है, आज तू अपने पति को सुअर कह रही है, आज तू अपने पति को गंदी नस्ल का कह रही है। भारत की संस्कृति में अगर मियां बीवी की लड़ाई भी हो जाए हिंदू समाज के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर और उनका तलाक भी हो जाए तो भारत की महिला अपने पति को कुत्ता नहीं कहती। तलाक लेने के बाद अगर 20 मुकदमे भी आपस में एक दूसरे के हो जाए तब भी वो हमारे भारत की संस्कृति को समझती है, वो अपने पति को कुत्ता नहीं बोलती, उसको जलील नहीं करती, उसको कमीना इंसान नहीं कहती जो आप कह रहे हो, आप उसको गंदा इंसान कह रहे हो, आप कुत्ता कह रहे हो, गालियां दे रहे हो आप। तो भारत की महिलाएं अपने पति को जिसके साथ एक बार बंधन में बंध गई उनके साथ ना धोखा करती हैं और ना ही उनको गालियां देती है, समझ गई? ये है हमारे भारत की बहनें, ये हमारे भारत की बेटियां, ये हमारे भारत की माएं, जिनको मैं सलूट करता हूं, अपने देश की बहनों को, अपने देश की माओं को, अपने देश की बेटियों को। वो तेरे जैसी नहीं है, तूने हमारे समाज को गंदा कर दिया, भारत की संस्कृति को तूने गंदा कर दिया, और हम जब तक जिंदा हैं भारत की संस्कृति को तेरे से गंदा नहीं होने देंगे, भारत की एकता और अखंडता को टूटने नहीं देंगे। तू मुल्लों को, तू मुसलमानों को मुल्ला बोल रही, तू कटवे बोल रही, तू ऐसा कह के हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराना चाह रही, हम तेरे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और भारत के अंदर एकता भाईचारा ऐसे ही बना और हमेशा ऐसा बना रहेगा। और ये संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है गालियां देना। तू किसी को साला बोल रही है, किसी को गंदा। आप देखो, अब मैं सुनाता हूं, देखो इसकी गालियां। ये हमारी भारत की बहन को गालियां दे रही है, ये कुत्ते की बच्ची हमारे भारत की बेटी को गालियां दे रही है, ये शकल की ना सूरत की, ये गधे जैसी शिकल की कुतिया, ये हमारी भारत की बेटी को गालियां देगी? इसकी हिम्मत के भारत में अवैध तरीके से ये एंट्री हो, अवैध तरीके से ये भारत में आए और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और भारत की बेटी को ये गालियां देगी? हमारे जिस बेटी ने भारत में जन्म लिया, जो भारत की नागरिक है, जिसके पास भारत का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो यहीं पैदा हुई है, यहीं पढ़ी है, यहीं पढ़ी हुई है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगी, उस भारत की बेटी को ये पाकिस्तान की आई हुई 2 कोड़ी की औरत हमारी बहनों को गालियां देगी? इसकी इतनी हिम्मत है? इसको हम सीधा करेंगे, ये कुत्ते की बच्ची को हम सीधा करेंगे, हम बताएंगे इसको क्या चीज है। तूने अभी देखा ही क्या है, जानती क्या है, अभी तेरा पाला नहीं पड़ा कि भारत के लोग कैसे हैं। अगर हम सम्मान करना जानते हैं तो सम्मान से गिराना भी जानते हैं। अपने हद में रह, कंट्रोल में रह। अगर तूने भारत की किसी बहन को, किसी बेटी को गालियां दी तो तेरी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरे को बता रहा हूं मैं। तू हमारी बहनों को गालियां देती है,
हमारी भारतीय बहनों को गालियां देती है तू, हमारे भारतीय भाइयों को गालियां देती है तू, कौन है तू, तेरी औकात क्या है, है क्या तू? अब ये कह रही है आगे कि मेरी जिंदगी जो है नर्क बन गई थी वहां। एक बात बताओ दोस्तों कि जिस औरत का पति अपने बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, मजदूर इंसान के लिए वहां पर जिंदगी गुजारा करना मुश्किल होता है जहां पर महंगाई ज्यादा हो, तो वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जब वो गया तो वो किस लिए गया था? बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और इसकी तमाम डिमांड्स को वो पूरा कर सके। अब वो कहती है कि मेरी जिंदगी हैदर ने नर्क कर दी। अरे भाई वो तो बेचारा 4 साल से बाहर था, तो हैदर ने तुम्हारी जिंदगी नर्क कैसे कर दी? एक इंसान क्या सऊदी अरब में उसके पास इतना लंबा डंडा था कि वो सऊदी अरब में बैठे बैठे पाकिस्तान कराची में जो सीमा थी उसके सिर पे ऐसे मार देता, ऐसे करके ऐसे कि यह मैं सऊदी अरब में बैठा बैठा सीमा के डंडा मार रहा हूं, ऐसे डंडा मार रहा हूं। क्या कोई इतना लंबा डंडा है दुनिया में? जो इंसान 4 साल से दूसरे देश में बैठा है वो इंसान इसको मारेगा? वो इंसान इसकी जिंदगी को नर्क बनाएगा? एक नंबर की झूठी, एक नंबर की झूठ की दुकान। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ इसको अय्याशी करना, उनको अपने जाल में फंसाना और हनी ट्रैप में फंसाना, उनसे पैसे उखेड़ना, वो सारा इसका काम है और ये करती आ रही है। अगर इसका ये कहती है सचिन का सच्चा प्यार था, तो फिर ये सचिन का सच्चा प्यार था हमें ये बताओ, अगर ये सचिन का सच्चा प्यार था तो हम तेरी मान लेते हैं, चलो भाई ठीक है सचिन के साथ तेरा प्यार था हम मान लेते हैं, चलो होगा कोई बात नहीं। अगर तेरा सचिन के साथ ये तो धोखा दे रही है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को। नेत्रपाल घर छोड़ के क्यों गया? शुरू में तो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो चीज कुछ और है, वो बेचारा घर से बर्तन ढा के इधर उधर चला गया और गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। एक नंबर की झूठी। और ये मेरे बारे में बोलती है, मैंने तुझे समझाया था कि पर्सनल अटैक मत कर, तुझे लाइव आना है लाइव आ, तुझे नाचना गाना करना है जो करना है, तेरा चैनल या सचिन का जो भी है तू करती रह, कानूनी कार्रवाई तू भी कर हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून से लड़ो, लेकिन पर्सनल अटैक अगर करेगी तो तेरी खाल उखेड़ दूंगा मैं, तेरी मैं जो है खाल उखेड़ दूंगा। और सुन, ये हैदर पे बात उठा रही है कि भाई हैदर के दो बाप हैं और 4 माए हैं, तो जिस सचिन के साथ तू अवैध संबंध में रह रही है उसकी कितनी माँ है ये बता दे। सचिन की भी तो दो माँ है। अब नेत्रपाल के मुंह पे थप्पड़ मार के, नेत्रपाल तेरी दो पत्नियां क्यों हैं? तेरे से सचिन पैदा क्यों हुआ? जहां तू इलीगल रिलेशन में रह रही है उसकी भी तो दो पत्नियां हैं। नेत्रपाल की दो पत्नियां हैं, दो बीवी हैं, उसकी भी तो दो बीवी हैं। कुछ बच्चे पहली के हैं, कुछ बच्चे बाद वाली के हैं। वो जिंदा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दो पत्नियां तो नेत्रपाल के भी हैं। वो तुझे अच्छा लग रहा है और गुलाम हैदर के तू दो बाप बता रही है। अरे भाई किसी का मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट में मर जाए, किसी का कुदरती मौत से मर जाए, जवानी में कोई विधवा हो जाए, उसका पति चला जाए, तो हमारे समाज के अंदर दुनिया में हर जगह है ये चीज। वो अगर पति नहीं रहता तो उसकी दूसरी शादी कर देते हैं, कोई देवर है या कोई कुंवारा घर में बेटा है तो वो शादी हो जाती है, तो उसमें दो का एक का तीन का क्या सवाल है? तो तू